सुप्रभात, ये 17 सितंबर 2022 है। यहाँ एक पत्र है ब्रैनम टेबरनिकल जेफरसन विले इंडियाना भाई जोसेफ ब्रैनम की ओर से। अब यहाँ है भाई जोसेफ ब्रैनम का पत्र। भविष्यवक्ता के प्रिय मित्रों, मेरा हृदय उत्साह से उमड़ने लगता है जब मैं इस रविवार को हमारे एक साथ एकत्र होने के विषय में सोचता हूँ कि खुदा की आवाज को सुनूं जो हमसे बात करती है। मेरे जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रहने और उसे अपनी दुल्हन से सीधे बात करते हुए सुनने से बढ़कर और कोई आनंद की बात नहीं है। इस संसार में इससे बढ़कर कुछ भी और नहीं है जो मुझे खुशी और शांति देता है सिवाय उसके वचन के। बस जब मैं ये सुन लेता हूँ, सुप्रभात मित्रों, मैं तब आराम से बैठ जाता हूँ और उस अंदरूनी दबाव से जल के कुएं से पीता हूँ जब वो मुझसे अनंत जीवन के वचनों को बोलता है। ये सोचते हुए खुदा ने उसे मेरे और आपके पास भेजा और हम खुदा के भविष्यवक्ता और संदेशवाहक के मित्र हैं। वह हमसे इतना प्रेम करता है कि उसने अपने भविष्यवक्ता को हमारे भविष्य के घर के बारे में बताने के लिए भेजा। वो हम सभी को इसके बारे में बताने के लिए बहुत ही उत्साहित था। यहाँ तक कि यूहन्ना को तब जितना बताया गया था उससे भी बढ़कर विस्तार से उसने हमें प्रकट किया। यह एक चुकार आकार का नगर नहीं है लेकिन एक पिरामिड नगर है जहाँ पर मेमना सबसे शीर्ष पर होगा और संसार का उजाला होगा। उसने बताया कि रास्ते सोने के बने हुए होंगे और वे घर जिनमें हम रहेंगे वे पारदर्शी सोने के होंगे। वो हर एक छोटी छोटी चीज को बस बिल्कुल हमारे स्पर्श में प्रकट कर रहा है, बस वही जो हम चाहेंगे। उन्होंने कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ा। उस दिव्य शिल्पकार ने इसकी रूपरेखा को सिर्फ हमारे लिए तैयार किया है जो उसके प्रिय हैं। वहाँ जीवन के वृक्ष होंगे और उन पर 12 प्रकार के फल लगेंगे। रात को नगर के फाटक बंद नहीं किए जाएंगे क्योंकि वहाँ पर रात नहीं होती है। वो हमारा उजाला होगा। वहाँ पर कौन कौन होने जा रहे हैं, कौन नू भविष्यवक्ता के साथ नई धरती पर आया, वे जो उसके साथ नाव के अंदर गए, ये सही है, यही है जो उस पर चलते हैं। देखा, जो नू के संदेश के द्वारा उसके साथ अंदर गए वे वही थे जो जल के बपतिस्मे के बाद नई धरती पर चल रहे थे। वो हमारे बारे में बोल रहा है मेरे मित्रों। हम आज के लिए हमारे जहाज के अंदर हैं। उसका वचन, ये संदेश हमारे नू भविष्यवक्ता के साथ और वहाँ उस और उस देश में वो नगर जहाँ मेमना उजाला है वो हमें बताएगा। हम उसके लोग हैं, मुकुट में उसके रतन। हम पूरब और पश्चिम से आए हैं उस नगर के लिए जो चुकार बना हुआ है, वो नगर जिसके लिए अब्राहम देख रहा था। जैसा कि मैं वचन को अपने आप में प्रकट करते हुए देखता हूँ, मैं जानता हूँ संदेह की छाया से परे मेरे मुकुट के रतन उस दिन पर दुनिया की हर एक चीज से अधिक चमकदार होंगे। क्या हम कल्पना भी कर सकते हैं? परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने कहा वो जानता था संदेह की छाया से परे कि हम उसके मुकुट के रत्न हैं। उस दिन दुनिया की हर एक चीज से अधिक चमकदार होंगे। हालेलुया, महिमा प्रभु के नाम की स्तुति हो। मित्रों, यदि हम सोचते हैं कि ये अब अद्भुत है संसार भर से एक साथ बैठकर इन टेपों में उसके वचन को सुनना और उस पर भोज करना, तो क्या होगा जब हम उसके साथ उस नगर में रहेंगे? परमेश्वर का भविष्यवक्ता हमारे साथ पड़ोस में होगा। हम उसके साथ उन पेड़ों में से खाएंगे और हम उन रास्तों में एक साथ चलेंगे। हम सोने के उन रास्तों पर
झरनों की ओर जाएंगे और उस झरने में से पिएंगे, परमेश्वर के मार्ग पे चलेंगे, दूतों के साथ धरती पर यहाँ वहाँ घूमते हुए आनंद प्रशंसा के गीत गाएंगे। ओह वो क्या ही दिन होगा, ये सब महत्व का है। रास्ते उबड़ खाबड़ दिखाई पड़ते हैं, कभी कभी ये कठिन होते जाते हैं, लेकिन ओ ये बहुत ही छोटे से लगेंगे जब मैं उसको देखूंगा, बहुत ही छोटे। उन्होंने जो बुरे नाम रखे हैं और बातें कही हैं, वो क्या होगी जब मैं उसे परमेश्वर के सुंदर खूबसूरत नगर में देखूंगा। मित्रों, मैं उस नगर को देखने और रहने के लिए और रुक नहीं सकता। मैं अपने प्रभु और उद्धारकर्ता, उसके भविष्यवक्ता और आप में से हर एक के साथ वहां रहने की लालसा रखता हूं। मैं उस सुंदर नगर से बाधा हुआ हूं, मेरे प्रभु ने उसके अपनों के लिए तैयार किया है, जहां सारे युगों के सभी छुड़ाए हुए सफेद सिंहासन के चारों ओर महिमा गाएंगे। कभी कभी मैं स्वर्ग जाने के लिए घर जाने को आतुर हो जाता हूँ और इसकी महिमा को मैं वहां पर देखूंगा। जब मैं अपने उद्धारकर्ता को देखूंगा तो क्या ही आनंद होगा सोने के उस सुंदर नगर में। मैं संसार को हमारे साथ आकर जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूँ, भविष्यवक्ता के मित्रों को, जब हम उसके सिंहासन के चारों ओर इकट्ठे होते हैं परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए जो हमसे बात करती है। 12 बजे जेफरसनविले समय के अनुसार, जैसा कि हम सुनते हैं कि वो हमें इसके बारे में बताता है, स्वर्गीय दूल्हे और पृथ्वी की दुल्हन का भावी घर 64802। मैं आपसे प्रतिज्ञा कर सकता हूँ, ये आपके जीवन का एक लाल अक्षरों का दिन होगा। भाई जोसेफ ब्रानम, संदेश सुनने से पहले पढ़ने के लिए वचन, संत मत्ती अध्याय 19 आयत 28, संत यूहन्ना अध्याय 14 आयत 1 से 3, एफिसियो अध्याय 1 आयत 10, दूसरा पत्रस अध्याय 2 5 से 6, दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय, प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 आयत 7, अध्याय 6 आयत 14, अध्याय 21 आयत 1 से 14, लय व्यवस्था अध्याय 23 आयत 36, यशाया चौथा अध्याय, यशाया अध्याय 28 आयत 10, यशाया अध्याय 65 आयत 17 से 25, मलाकी अध्याय 3 आयत 6, अगली बार तक। प्रभु आपको आशीष दे। शालोम।